अंतर्राष्ट्रीय समझौते एक कड़ी के भाग हैं और किसी एक उद्देश्य उदाहरणार्थ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पाने हेतु अन्य दो उद्देश्यों को पाना भी अत्यावश्यक है। इस महत्वपूर्ण इंटरडिपेंडेंस की महत्ता को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत ने इन समझौतों को क्रियान्वित करने हेतु नई दिल्ली में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया था। इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एशिया रीजनल एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया गया था। इसी क्रम में इस दो दिन की NPDRR की बैठक में सभी सदस्यगण एवं एक्सपर्ट्स आपदा के रिस्क को कम करने हेतु इसके विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन पर पूर्ण रूप से विचार कर वर्ष 2017 से लेकर 2030 तक का एक्शन प्लान बनाएंगे। आपदाओं के रिस्क को कम करना अब हमारे लिए चॉइस नहीं है बल्कि यह एक अहम जरूरत भी है। मुझे याद है कि वर्ष 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन में करीब 10,000 से अधिक लोगों की जाने गई थी और अरबों रुपयों की आर्थिक हानि भी हुई थी और उसके पश्चात वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकंप और वर्ष 2004 में आई सुनामी ने देश को झकझोर दिया था। तब से लेसन्स लेते हुए भारतवर्ष में आपदा प्रबंधन के अप्रोच में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। देश में संस्थागत एवं योजनाबद्ध तरीके से आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, NDRF, NDMA और NIDM का गठन महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वर्ष 2013 में प्रथम नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का गठन किया गया था। विश्व स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भारत ने अपना योगदान दिया है। वर्ष 2015 में जब जापान में सेंडई फ्रेमवर्क पर चर्चा हो रही थी तो मैंने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि आपदा के रिस्क को कम करने में सरकार के साथ साथ अन्य संगठनों की भूमिका ही उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितने की सरकार की है। सेंडई फ्रेमवर्क की केवल 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो इनमें आपदा से होने वाले मृत्यु, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या तथा आर्थिक नुकसान को कम करना भी शामिल है।